अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे सावजी मटन। ये नागपुर का स्पेशल है सावजी मटन, और ये बहुत ही टेस्टी होता है और स्पाइसी भी रहता है और बहुत ही फेमस है ये रेसिपी। इसके लिए हमें लगेगा 1 kg मटन, और ये मैंने 1 किलो का मसाला ली हूँ सावजी मसाला। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 3 प्याज का बिरिस्ता है ये, हरा धनिया, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और हमें तेल लगेगा। बस ये इतनी ही चीज़ों में ये बहुत ही अच्छा बन जाता है और एकदम क्विक रेसिपी है। अगर आपने मसाला पहले से रेडी करके रखा है और बिरिस्ता बना के, तो ये झटपट हो जाती है रेसिपी। अभी हम शुरू करेंगे। अभी हम सबसे पहले ये जो बिरिस्ता है ओनियन फ्राई किया हुआ, उसका हम बारीक पेस्ट करके लेंगे। हमने गैस के ऊपर कुकर चढ़ा दिए। अभी इसमें हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप। इसमें ऑयल का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे 2। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज को भी ऐड करेंगे और इसमें हम गोंद डालेंगे। इसको अच्छी तरह भून के लेंगे। इसमें हम मिर्ची, हल्दी और नमक डालेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम ये मसाला ऐड करेंगे। ये हमने 1 किलो का मसाला बनाया है। मसाला डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भून लिए हैं। अभी इसको 2 मिनट और हम इसी तरह रखेंगे, और फिर इसमें पानी ऐड करके हम इसको कवर लगा के कुक करेंगे। इसमें थोड़ा हरा धनिया हम डालेंगे काट कर। एक गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम कवर करके रखेंगे। इसको गोल गलने तक कुक करेंगे। अभी हम चेक करेंगे, ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से, और इसकी ग्रेवी जो आप देख सकते हैं बहुत ही यमी है। अभी इसमें हम 1/2 गिलास पानी और ऐड करेंगे। बस 1/2 गिलास ही इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा कुक करेंगे बिना कवर का, और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। ये हो गया रेडी। अभी हम गैस ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये हो गया रेडी गर्मा गर्म सावजी मटन। बहुत ही अच्छा बना है। जिस तरह ये रेस्टोरेंट में मिलता है, होटल में, उसी तरह का बना है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में, और एकदम क्विक रेसिपी है। आपने अगर मसाला पहले से रेडी करके रखा है तो आपको मेरे चैनल पर मसाले की रेसिपी भी मिल जाएगी, और चिकन सावजी मसाला भी बना हुआ है। एक वीडियो मेरा डाला हुआ है, 1 साल पहले का है, और वो भी आप देख के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।